ग्रुप में मेंशन हुआ। हेलो मोनिका, आइए जल्दी जल्दी आइए यार, जल्दी जल्दी ज्वाइन हुई है। हेलो जी, हेलो एवरीवन, हाय समिता, हेलो ललिता, शेयर करते जाओ साथ साथ में ताकि जल्दी ज्वाइन हो जाए सब। शेयर करते जाओ यार। ज्वाइन होंगे ज़्यादा मैं तभी स्टार्ट करूँगी, ठीक है? थोड़े से मैं नहीं करूँगी, वरना मैं स्टॉप कर दूँगी फिर अभी यहीं पर ही। हेलो हेलो जी, हेलो अलका, हेलो ज्योति, हेलो माधवी, हेलो निशा जी, हेलो एवरीवन। फटाफट शेयर करो, बढ़ाओ जल्दी से। और थैंक यू सो मच, थैंक यू जसप्रीत, ठंड भी ज़्यादा हो गई है। आओ जल्दी जल्दी आओगे तो मैं स्टार्ट करूं। अब देखो 20 जनों में क्या स्टार्ट करूंगी यार। जितने लोग मेरे साथ हैं लाइव, प्लीज़ शेयर करो तो मैं शुरू करती हूं। हेलो हेलो जी, हेलो एवरीवन, चलो करती हूँ स्टार्ट फिर मैं। चलिए मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है? आप लोग शेयर करते रहना, ओके? कमेंट्स करते रहना, शेयर करते रहना। आफ्टर क्लास मैं रिजल्ट निकाल दूंगी, ठीक है? अभी बिल्कुल लास्ट में तो नहीं निकाल पाऊंगी, बट थोड़ी देर में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है? आज रात को ही मैं शेयर कर दूंगी, ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी। हेलो जी, सबको ठंड लग रही है क्या? ज्वाइन नहीं हो रहे? हाँ, तक तो डिनर हो चुका होगा सबका। चलो करते हैं हम शुरू, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं कंप्लीट करती हूँ, आप लोग देख लेना फिर आराम से। कर लो, स्टार्ट करो।
चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए सूख चुका है बिल्कुल अब। ओके, ये रहा बेस हमारा। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, ठीक है, इस टाइप की शीट्स आती है 3D, ये देखिए डीको 3D शीट्स आती है। ठीक है, इस टाइप के प्रिंट्स आते हैं, आप लोग अपना लेजर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं इस टाइप से, ये देखिए जिसको चाहिए होएगा मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, इस टाइप के प्रिंट्स आते हैं। मैं इसको, मैंने क्या करना है, मैंने ऑलरेडी कटिंग करके रखा हुआ है, आप लोगों का टाइम बच जाए। ठीक है, जैसे इसका ये फर्स्ट है, ठीक है, इसका ये फर्स्ट वाला मैंने काटा हुआ है। ओके, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, मार्किंग की हुई है A1, A1 की मैंने सारी कटिंग की, तो A1 अगर ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो लाइक ये A लिखा हुआ है। ठीक है, A के ऊपर मुझे ये फ्लावर्स लगानी है, 3D इफेक्ट में लेकर आना है इसको, राइट। मैं आपको साथ साथ में करके दिखाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मैंने कटिंग ऑलरेडी करके रखी हुई है तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा, इतना आप लोगों का टाइम भी नहीं जाएगा। अब मुझको क्या करना है, ये देखिए जैसे मैंने ये पहले बेस ले लिया, ये मैंने बेस कट कर दिया। ठीक है, अब मुझको इसको यहाँ पर अरेंज करना है। ठीक है, ग्लू गन मैंने ऑन रखी हुई है, ग्लू गन से ही मैं काम करूँगी इसमें सारा का सारा। आप लोग सिलिकॉन ग्लू से भी कर सकते हैं। ठीक है, 3D इफेक्ट देना है इसलिए हमें, और हमने इसके ऊपर रेजिन का काम करना है। ठीक है, इसलिए हमें ये चाहिए बेस, हम इसमें डबल टेप वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आपने जितना इसको 3D इफेक्ट देना है उतना आप इसमें कर सकते हो नीचे की तरफ। ठीक है, ये देखो मैं कितना इसको कर रही हूं। ओके, जितनी ऊंचाई चाहिए आपको, और जहां पर आपने इसको सेट करना है अपने हिसाब से, जहां पर सेट करना चाहते हो, ये देखो, और ज्यादा दबाना नहीं है। ठीक है, इसको ज्यादा दबाना नहीं है, ये देखो, तो ये हमारा 3D लुक में। ठीक है, ये देखो इस तरह से निकल के आएगा, ये देखो। ठीक है, आराम से इसको, ओके, ये देखिए इसमें बहुत सारे प्रिंट्स हैं, आप जो मर्जी इसमें कर सकते हो। ठीक है, ये देखो मैंने वही फ्लावर जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ, देखो इसमें बहुत सारे प्रिंट्स हैं। ठीक है, उसमें से मैंने एक प्रिंट लिया है, उसमें से मैंने एक प्रिंट लिया है, सेम वही फ्लावर्स है, सेम वही तरीका है। ठीक है, ओके, अब इसको मैंने क्या करना है, ठीक है, ये देखो ध्यान से, अब इसको मैं क्या करती जा रही हूँ, अब इसका मैंने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है, जहां पर मैंने जोन सा लगाना है उसका मैंने पहले से कटिंग करके रखी हुई है। ठीक है, मैंने पीछे मार्क करके रखा हुआ है कि कौन सा वाला है। ओके, ये बी सबसे नीचे वाला, ठीक है, मैंने इसके इस तरह से सारे पार्ट्स की कटिंग करके रखी है, देखो जो मैंने लगाना है। क्लोजअप इन कैमरा, ये देखो, ये देखो, ठीक है, क्लियर है, ये देखिए, ओके, क्लियर है। ठीक है, अब इसको, अब इसी को 3D इफेक्ट में देते जाना है, आपने पहले यहां पर रख के देखना है कैसे अरेंज करना है हमें। ठीक है, इसमें मार्किंग दी हुई है, जो मेरे पास शीट्स हैं उन सब में मार्किंग दी हुई है, आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपने इसको दबाना नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको 3D इफेक्ट में आपने इसके ऊपर रखते जाना है बस। ओके, ये देखो जैसे अरेंज करना है उसी हिसाब से आपने इसको, बट थोड़ा रेजिन का भी काम करना है तो सफाई से काम करना। ठीक है, ग्लू स्टिक ज्यादा लगे ना, थोड़ा सा केयरफुली काम करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। और जितना जितना इसको ऊंचा करना चाहते हो उतना ऊंचाई पे इसको लेकर जा सकते हो, मतलब कि वो टोटली चॉइस आपकी है, आपने इसको कितना 3D में लेकर जाना है।
सब कुछ इसके ऊपर मेंशन है। ये बहुत सुंदर लगेगा जब ये पूरा बन जाता है, बड़ा सुंदर आर्ट है ये वाली। आप जो ये टेक्निक मैं सिखा रही हूँ वो आप किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने किया है आपने वही एग्जैक्टली करना है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ पे आप यूज़ कर सकते हो। बट लेयरिंग अच्छी तरह से लगानी है आपने बस, ठीक है। ये देखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से इसका भी। ठीक है, जरूरत नहीं है तो इसको बाद में अरेंज करती है, ठीक है। सेकंड वाला लगाते हैं। अगर आपको लगता है थिक कार्ड पेपर टाइप है शीट, नहीं ये थिक कार्ड पेपर नहीं है, ये A4 की तरह ही, थोड़ा सा उससे हल्का सा थोड़ा सा उससे फर्क है बस, जितना हमारा प्रिंटर की शीट होती है ना उतना समझ लीजिए, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे आते हैं, थोड़े से थिक वाले भी आते हैं, बट जितना थिक करोगे उतना आप लोगों को दिक्कत आएगी, तो इसलिए इतना ज़्यादा थिक लेने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बस मेन है आपने कटिंग ठीक से करनी है और लगाना ठीक से है। और अगर लगता है कि नहीं ज़रूरत है इतने सारे लगाने की तो कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी से इसको छोड़ भी सकते हो, कि आपने जितना 3D देना है आप अपनी मर्जी से इसको बस उतना ही स्टॉप कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा का सारा ही लगाना है जितना उसमें दिया हुआ है, वो ज़रूरी नहीं है इसमें, ठीक है। जय गुरु जी, ठीक है। ये सबसे पहले ये वाला नीचे आना था, वो मैंने गलती से वोला लगा दिया। ओके, अब ये वाला है। मेरे को व्हाट्सएप करना, ठीक है यार, मटेरियल के लिए बाद में मुझे व्हाट्सएप करना, जो भी चाहिए व्हाट्सएप करना। हम इसको भी रेजिन में ऊपर से करेंगे। मेन क्या है, अभी तो आपने पेपर देखा ना, इसको भी सेव करने के लिए इसके ऊपर से हम रेजिन करेंगे सारा। अभी मैं पास से दिखाती हूँ तब आपको इसकी ब्यूटी का पता लगेगा।
शेयर करते जाओ। क्या बात है, आज खाली इतने कम जने, हाँ आज किसी का मूड नहीं था तो मेरे को मना करते थे, मैं आती ही ना आज लाइफ में, मैं दूसरी अपनी क्लासेस ले लेती। आप लोग दूसरे ग्रुप्स वगैरह में शेयर करो ताकि कुछ ना कुछ हमारे साथ अटैच हो सके। ठीक है, आप देखते जा रहे हो ना, मैं किसी के से देखो, उसमें ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है नंबर, ठीक है, पेपर में भी नंबर लिखा हुआ है इसमें, तो आप लोग उस हिसाब से पहले से कटिंग करके पीछे उसमें नंबर लिख लो। मैंने कटिंग करते वक्त इसमें नंबर लिख लिया था, ठीक है, मैंने सब में पीछे नंबर लिख लिया था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पर क्या लगना है, तो इसलिए मुश्किल नहीं हो रही काम करने में। वही तो यार, कुछ वेट करते हैं कुछ नहीं आते, वही ना मज़ा नहीं आता ना इतने से जनों के लिए यार, फिर प्राइवेट क्लास में ले लेते, वही ना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखिए मैं इसको पास से दिखाती हूँ, ये देखो देखो इसका 3D इफेक्ट साइड से देखो, ठीक है, इसको दबाना नहीं है, बस इसको दबाना नहीं है, आप ये अपनी खुद की भी लेज़र प्रिंट आउट निकाल सकते हो खुद ब खुद ही। और ज़रूरी भी नहीं है कि सारे में लगाना है, अगर नहीं लग रहा कि नहीं ज़रूरत है तो छोड़ भी सकते हो, अगर ऐसे भी अच्छा लग रहा है तो ऐसे भी छोड़ भी सकते हो बीच में, ठीक है। देखो अभी एक लास्ट दिखाती हूँ, ये लास्ट रह गया बस,
नंबर लिखा हुआ है इसमें ज्योति, इसमें ना नंबर लिखा हुआ है, आपको पता नहीं लगेगा, आपको खुद पता लग जाएगा जब आप लगाओगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये लाइक इधर लगना है पहले, कैसे लगना है, बिल्कुल भी मतलब कि लाइक ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक फ्लावर तो सभी को आते हैं ठीक है ना, एक के ऊपर एक जब कर रहे होगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कैसे लगना है। हेलो वीना जी, आप इसको थोड़ा सा इम्बोज करके भी लगा सकते हो ठीक है। मैं आपको अभी लास्ट में बताती हूँ ठीक है। मैंने तो किया नहीं इसको इम्बोज, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि इसमें मुझे ज़रूरत है इसमें, वरना आप इसको थोड़ा सा और इसको अभी बताती हूँ कैसे करना है ठीक है। उसका वो भी मेथड है, आप वैसे करके भी कर सकते हो। मैंने तभी टूल साथ में रखे थे, बट मुझे ज़रूरत नहीं लगी इसको ऐसे करने की, इसलिए मैंने नहीं किया ठीक है। ये देखो मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें नीचे फोम पैड रख के ठीक है, आप इस तरह से इसको एम्बोज करके भी कर सकते हो काम इस तरह से ठीक है। फिर लगा सकते हो आप इसको ऐसे करके भी काम कर सकते हो ठीक है। टोटल आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी करके आप इसको लगाओ ठीक है। देखो ये दो रह गए थे, इसमें अगर ज़रूरत है तो मैं लगाती हूँ मैं इसको। ये देखो, ये देखो, खाली एक फ्लावर लगने में इसकी ब्यूटी देखो ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं करना, अब आपने इसको अब थोड़ा सा पहले मॉड पोस्ट से इसको ठीक है, एक लेयरिंग इसकी मोट पोच की लगाऊंगी सब पे। अगर आपने कुछ ग्लिटर वगैरह कुछ डालना है या कुछ बीट्स वगैरह इसमें डालने ऊपर से 3D और लुक देने के लिए, तो वो कर सकते हो। अभी वो देखते हैं बाद, बीच में अगर कुछ ऐड करना हुआ तो ठीक है, बट ये स्टेप जरूर करना है आपने इसको मोट पोच का रेजिन करने से पहले एक ये वाला ठीक है। बिना इसके रेजिन नहीं डालना ऊपर, मैं इसमें मॉड पोच लगा रही हूँ। देखो ये देखो मैं ये लगा रही हूँ, ओके मेरे से सरिता, मेरे को कॉन्टेक्ट करना बाद में ठीक है।
अच्छी तरह से सब जगह पे लगाना, क्योंकि हमने रेजिन डालना है, ठीक है। इस तरह से ही सारा का सारा, ठीक है। मैम ये कहाँ से मिलेगा, क्या चीज़ कहाँ से मिलेगी? मॉड पॉज ये किसी से भी ले लो यार, किसी भी वेंडर से मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाता है ये तो। मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगी, वरना ठीक है, वरना आप किसी से भी ले सकते हो। इसका फेविक्रिल कंपनी का भी आता है, वो यूज़ कर सकते हो, वो वाला कर लेना बेशक यूज़, ठीक है। वो तो लोकल स्टेशनरी से भी मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने ये वाला पूरा का पूरा इसमें लगाना है, ये वाला, ओके। और इसमें अगर आपने बीच में बीट्स वगैरह डालने हैं, यहाँ पर अगर आपने इसको 3D देना है लुक, या थोड़ा सा ग्लिटरी देना है तो इसमें, ठीक है, रेनबो ग्लिटर या कुछ भी अगर आपने डालना है तो इसके ऊपर ये भी डाल सकते हो, ठीक है। हल्का सा अगर थोड़ा सा ग्लिटर इफेक्ट देना है इसमें, तो इसी के साथ ही वो चिपक जाएगा, ये देखो, ठीक है। इस तरह से ऊपर से मैं डाल रही हूँ, इस तरह से, ओके। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने हल्का सा बस मैंने स्पार्कल कर दिया, और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी कर रही हूँ, मुझे रेजिन डालना है, ठीक है। मैं इसी के साथ ही चिपका रही हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, वरना ये रेजिन डालते वक्त ही कल कर सकते थे, ठीक है। मैंने किया नहीं एक्चुअली में, इसमें ये थोड़ा सा रह गया मेरा, ठीक है। हल्का सा मैं स्पार्कल कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा शाइन आ जाएगी इसमें, ओके। ये देखिए, मैं इसका लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है। मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं लिंक सेंड कर दूंगी। ये देखिए, थोड़ा सा इधर मैंने सारा, ठीक है। अगर गोल्डन का भी हल्का सा लुक देना है तो वो भी आप इसके ऊपर दे सकते हो। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर दे रही हूँ, एक सेकंड मैं बताती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर आप हल्का सा लीफ वगैरह लगा सकते हो, एक सेकंड, इसी के साथ ही हल्का सा चिपका देती हूँ, देखो, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला, वैसे तो इसकी वो आती है अलग से, ठीक है ना, वो ही यूज करना, ठीक है। गोल्ड लीफ यूज कर रही हूं, इस तरह से आपने चिपकानी है, ओके। ये चिपका सकते हो या फिर गोल्डन कलर कर सकते हो, कुछ भी दोनों में से। थोड़ा सा मैं वो एक्स्ट्रा ले रही, इसमें है नहीं, लेकिन मैं ले रही हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, इस तरह से देखिए, अभी हमने ऊपर रेजिन डालना ही है तो वो उसके साथ अच्छी तरह से लग जाएगा, ओके। बस डन, और कुछ नहीं करना। ये देखो, बस अब इसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है, ये डन है। अगर आपने कुछ मैसेज लिखना है या कुछ भी ऐसे लिख कर देना चाहते हो, किसी को बर्थडे गिफ्ट दे रहे हो, तो उस टाइप का कुछ लगा सकते हो, ठीक है। उस टाइप का भी कुछ इधर लगा कर दे सकते हो, किसी को गिफ्ट देना हो तो, ठीक है। वो गोल्ड फॉइल का जो आते हैं इस टाइप का, कुछ भी आप लगा कर दे सकते हो। आप क्या बना रहे हैं? ये मेरा तो या आप इसको टॉवल स्टैंड समझ लो, ठीक है, हैंगिंग समझ लो, आप इसको की रिंग समझ लो, कुछ भी आप इसको समझ लो। इसमें हैंगर लगा हुआ है, इसमें हैंगर लगा हुआ है, तो आप इसको किसी भी उस पर यूज कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड मैं देख बताती हूँ आपको, अगर आपने कुछ इसमें विश वगैरह भी जैसे लिखनी होती है तो उस टाइप का भी आप इसमें लगा सकते हो।
अल्फाबेट्स का है, जैसे जो आपके स्टिकर्स आते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के जैसे स्टिकर्स आते हैं, गोल्डन वाले स्टिकर्स, ठीक है, आप अपने आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, इस टाइप पे आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। देखिए, ओके, कहाँ मिलेगा ये ब्लैक हैंगर, मेरे को मैसेज करना, मैंने कल क्लास में बोला था, मेरे को मैसेज करना, मैं बता दूंगी, ठीक है। ड्राई पेटल्स कौन से वाले, रेखा, ड्राई पेटल्स किसकी बात कर रही हो, ड्राई पेटल्स कौन से, ये फ्लावर की बात कर रही हो, नहीं, ये फ्लावर तो हमने बनाया है ना अभी, नहीं, ये फ्लावर तो देखो ना, हमने इसकी कटिंग करके बनाया अभी, ये देखो, ठीक है, ये पेपर्स चाहिए होंगे तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। ये देखिए, ये इन फ्लावर्स की कटिंग करके, ये देखिए, ठीक है ना। बाकी अगर आपने कुछ विशिंग लिखनी है यहाँ पर, कुछ भी अगर आपने हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, कुछ ऐसे किसी को गिफ्ट देना है तो वो लिखकर आप दे सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब लास्ट स्टेप पे हमने जो इसके ऊपर रेजिन डालना है, ठीक है, इसमें लास्ट स्टेप है रेजिन, बस और कुछ नहीं करना, अब हमने इसमें रेजिन डालना है बस, ठीक है, इसका लेवल ठीक होना चाहिए बस, थोड़ा सा इसका लेवल ठीक करके, एक सेकेंड, चलिए, ठीक है, मैंने रेजिन ऑलरेडी घोल के रखा हुआ है, बस अब इसको हिलाना नहीं फिर अपनी जगह से, ठीक है, आराम से एक ग्लास कोट इसका रेजिन का, डीको थ्री डी शीट, ब्रश अगर अंदर तक ठीक से नहीं जा रहा तो कोई भी ब्रश ले लेना, ठीक है, उसके बाद उसको टर्पेंटाइन ऑयल में अच्छी तरह से साफ कर लेना, ठीक है, इमीडिएटली काम करने के बाद, ज़्यादा रेजिन नहीं डालना वरना नीचे फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है, बस पूरा कवर अप करना है अच्छी तरह से, ठीक है, क्लियर, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, मैंने बोला ना आप अपना खुद का भी लाइक लेजर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप खुद का भी निकाल सकते हैं, जिसको आता है वो खुद अपने आप कर सकता है ये वाला, चलिए ये देखिए, ठीक है, ये हमारा अब कंप्लीट। अब आप इसी टेक्निक को किसी भी चीज में कर सकते हो यूज, आप ट्रे बनाइए, आप कोई भी लाइक थ्री डी अपना नेम प्लेट बनाइए, ठीक है, आप उसमें यूज में लेकर आ सकते हैं, अभी तक आप क्ले से देखते आ रहे हैं, आप इस चीज को भी यूज में लेकर आ सकते हैं, सस्ता जुगाड़ है, ठीक है, महंगा नहीं है और इसकी लाइफ भी है, ठीक है, ये नहीं कि ये खराब हो जाएगा क्योंकि हमने इसके ऊपर रेजिन लगा दिया है, मतलब ही नहीं खराब होने का, ठीक है, ये डन है, अच्छी तरह से सारी जगह से कवर अप होना चाहिए क्योंकि अब हमारा लास्ट लग रहा है इसमें, ठीक है, फाइनल टच जो है, इसलिए सारी जगह से कवर अप होना चाहिए, ठीक है, और अब क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना, ब्लो टॉर्च नहीं करना, ठीक है, ध्यान से ब्लो टॉर्च नहीं करना, पेपर का भी काम है, ध्यान से, ठीक है, उसे बेटर है कि
कि बबल बूस्टर एक बार ठीक है स्प्रे कर देना बस, ओके बस, क्योंकि कहीं अगर गलती से भी उस पर फायर का वो हुआ तो क्या फ़ायदा वो ख़राब हो जाए, तो उससे बेटर ये है कि सेफली काम करो, ठीक है। चलिए बस ये हमारा डन है, देखो कैसा लग रहा है, एक भी ड्रॉप नहीं गिरी हुई ना, देख लो अब तरीके से काम करोगे तो एक भी ड्रॉप नहीं गिरेगी, ठीक है। मोड पोच क्या, ताकि उसका प्रिंट ना ख़राब हो, ठीक है, उसका प्रिंट ना ख़राब हो, वैसे उसको एक कवर मिल गया, उसको एक कवर मिल गया, रेजिन डाल रही हूँ ना, कुछ पता नहीं है ना इसीलिए, ओके। स्प्रे बबल बूस्टर है, ये देखिए ये रबिंग अल्कोहल जो होता है ये वही चीज़ है, ठीक है, रबिंग अल्कोहल जो होता है आप वो ले सकते हो, ओके। कुछ भी इसमें इजिली मिल जाता है, आप केमिस्ट की शॉप से भी लोगे रबिंग अल्कोहल करके आपको मिल जाएगा। और किसी ने कुछ कुछ पूछना है, रबिंग अल्कोहल देखो आप इसको रेजिन बबल बूस्टर भी बोल सकते हो, ठीक है, वेंडर से लोगे तो ये बोल के, वरना केमिस्ट से लोगे तो रबिंग अल्कोहल बोल के ले लेना। और किसी ने कुछ पूछना है इसका, बाकी इसका फाइनल इसका जो लुक है मैं सूखने के बाद कल इसका पिक डाल दूंगी, आप लोग देख लेना आराम से इसको, ठीक है। अभी मैं आराम से बैठ के, ठीक है, फ्लावर को 3D करने में और क्या यूज़ करें, 3D करने में एक तो ये यूज़ कर सकते हैं, और एक आप बताती हूँ मैं आपको, सिलिकॉन की ट्यूब आती है जोन सी, ठीक है, सिलिकॉन की ट्यूब आती है, क्लियर सिलिकॉन जो आता है ट्यूब, वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप एक वो भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर दीजिए, बेटर तो यही है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा सूखने में, क्योंकि हमने रेजिन वर्क भी करना है, ठीक है ना, तो बेटर यही है कि इसी को यूज़ करो तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना अगर ग्लू स्टिक से नहीं काम करना तो सिलिकॉन ट्यूब से कर लेना काम, उसका भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी, ऑनलाइन मिल जाता है, वरना किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा, कल मॉर्निंग तक सूख जाएगा, ये सूख जाएगा कल मॉर्निंग तक, ठीक है ना, सर्दी जितनी बढ़ती जाएगी उतना रेजिन थोड़ा लेट होएगा, ओके क्लियर। और कुछ पूछना है, नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी कंचन जी, टेप नहीं करनी इसमें, नहीं करनी, हमने रेजिन यूज कर रहे हैं ना इसलिए टेप नहीं कर रहे। देखो शिखा मैं बता देती हूँ दोबारा से, जिसको नहीं समझ में आया ये देखो, ये थोड़ा सा इजी है, कॉम्प्लिकेटेड वाला ही सिखाती हूँ, एक सेकेंड रुको, चलिए ये सिखाती हूँ, रुकिए समझ लीजिए, देखिए ये इस तरह से आपको मिलेगा पेपर, ठीक है, ये आपको ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, आपने इसको पहले कट किया, इसको कट किया, इसके बाद इसका A1 लिखा हुआ है, ये देखो ये A लिखा हुआ है, ठीक है, A क्या मतलब कि आपको फ्लावर का पता लग जाएगा कि कौन सा फ्लावर कहाँ पर है, ये इस हिसाब से कटिंग हुई हुई है, ये देखो 1 2 3 4 5 आपने इसको सबको कट करना है और इसके पीछे नंबर लिख देना है 1 2 3 4 5 और A कहाँ पर है, जैसे A है तो इस जगह पे अगर ये वाला फ्लावर लग रहा है तो इसके ऊपर आपने इसकी लेयरिंग देनी है, इसके ऊपर इसकी लेयरिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद अब आपको देखना है कि सेकंड नंबर का है A3, ठीक है, A2 A3, जैसे जैसे इसके नंबर लिखे हुए हैं, ये फ्लावर यहाँ लग रहा है तो इसके 1 2 3 ये देखो ये तीनों यहाँ पर लगेंगे, ओके। अब उसके बाद आ रहे हैं ये वाला शेप, ठीक है, ये देखिए ये वाला शेप आ रहा है, ये देखिए ये रहा, तो ये तीनों शेप कट करके इसके ऊपर लगेंगे, अब ये वाला शेप आ रहा है तो ये तीनों इसके ऊपर लगेंगे, क्लियर है, सारा क्लियर है इसके ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, इसलिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसमें ऑलरेडी सब कुछ मेंशन हुआ है, आपने जस्ट कट करना है और इसको, इवन अगर इसके ऊपर नहीं भी मेंशन होएगा तो आप फ्लावर के ऊपर फ्लावर तो लगा ही सकते हो यार कट करके, ठीक है ना, ये तो खुद का माइंड चलाकर कि फ्लावर के ऊपर कैसे 3D इफेक्ट देना है, आप इसको कटिंग करके लगा सकते हो,
ठीक है, क्लियर है, ओके। और कुछ किसी ने पूछना है? और कोई? चलिए फिर, ठीक है, ओके, बाय। चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। ठीक है, मैं रिजल्ट इसका कर दूंगी डिक्लेयर, ठीक है, बाद में मैं आप लोग को उसमें देख लेना। चलिए, ओके, बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट।